हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो आज के इस जो वीडियो में आप लोग देखिएगा उसमें क्लास 12th के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड होता रहा है। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें आपके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस जो ऑब्जेक्टिव में देखेंगे उसमें हम लोग 2016 में पूछे गए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। इसी सिलसिला में हम लोग 2016 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक हम लोग 2015, 14, 13, 12, 11, 10, 11 तक का हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग 16 के देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी तीव्रता क्या है, ई है, वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला जो है टॉर्क क्या होगा, उस पर लगने वाला हमारा बल क्या होगा। पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव जिसका क्या है ई, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसकी तीव्रता क्या है, वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उसे लगने वाला हमारा क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2015 में भी पूछा गया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर, क्या होगा इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर, पी गुना ई, क्या होगा, पी गुना ई। अब आइए हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिए गए चित्र में ए तथा ए और बी का समतुल्य धारिता ज्ञात करें। क्वेश्चन कुछ आपको इस तरह से दिए हुए हैं फिगर में, तो 6μF, बी में ऑप्शन हमारा 18μF, सी में हमारा है 9μF और डी में ऑप्शन हमारा है 1/9μF। तो इस पर चित्र में ए और बी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है सीरीज कनेक्शन में है। उसके बाद इस दोनों को जब हम लोग सीरीज कनेक्शन हटा के ये हमारा एक पैरेलल कनेक्शन बन जाएगा, और पैरेलल जो कनेक्शन में वो हमारा बनेगा, इसका कितना निकल जाएगा समतुल्य प्रतिरोध, तो 1/6 + 1/6, मतलब इसका प्रतिरोध हमारा 3μF निकलेगा, उसके बाद पैरेलल कनेक्शन में 6 + 3μF, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 9μF। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा सी नंबर होगा। आइए बातें हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, चुंबकीय परिपथ की शक्ति है, चुंबकीय परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर, वी इंटू आर, क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर, वी इंटू आर, चुंबकीय परिपथ की हमारी शक्ति होती है। अब आइए हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है, ML0T-2I-1, क्या होती है, ML0T-2I-1 चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है। अब आइए आते हम लोग फाइव नंबर क्वेश्चन पर। फाइव नंबर क्वेश्चन हमारा लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम हमारा किससे संबंधित है, ये बहुत मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2015 में भी पूछा गया है, 2013 में भी आप लोगों से पूछा गया और 2011 के भी एग्जाम में पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन जो है अगर हम लोग 2016 तक में देखें तो तीन बार आप लोगों से पूछ चुका है। क्या क्वेश्चन है, लेंज का नियम किससे संबंध है, और मैं आप लोगों को तीनों बार बता चुका हूँ लेंज का संबंध हमारा ऊर्जा से संबंधित है, किससे संबंधित है, ऊर्जा से। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आइए आते हैं हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा है, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो LR परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो हमारा होता है R/R² ω² + L² ये हमारा LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। आप लोग याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब आइए हम लोग आते हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन पर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दुगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन हमारा है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या करते हैं, चौगुना बढ़ा दिया जाता है, तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, तो ये आवर्तकाल उसका आधा हो जाता है। इसका सही आंसर हो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर, आधा। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करते हैं, चार गुना कर देते हैं, तो लटकती हुई सुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल हमारा क्या होता है, तो आधा हो जाता है। अब आइए हम लोग आठ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एट में क्वेश्चन हमारा है, खगोलीय दूरदर्शक क्या अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से दो बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा हमारा काल्पनिक और उल्टा, क्या होगा, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा बनता है। अब आइए आते हैं हम लोग नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, बीटा किरणें विक्षेपित करती है, बीटा किरणें हमारे क्या विक्षेपित करती है, तो बीटा किरणें जो है हमारे चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों विक्षेपित करती है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों। बीटा किरणें क्या करते हैं, बीटा किरणें चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों को विक्षेपित करती है। अब आइए आते हैं हम लोग टेंथ नंबर क्वेश्चन पर। टेंथ नंबर क्वेश्चन हमारा नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक। तो नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इजकल टू वाई। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इजकल टू वाई। अब आइए आते हैं हम लोग एलेवंथ नंबर क्वेश्चन पर। एलेवंथ नंबर क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा है 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है मिलकर एक बड़ा बिंदु बनाता है, तो बड़े गोले की धारिता क्या होगी। तो इसका होगा सही आंसर हमारा सी नंबर 20 म्यू है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग 2015 के जब क्वेश्चन बैंक में देखे तो देखे हैं, तो 2015 के क्वेश्चन नंबर 2 में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ मैं इसका विस्तार से बता दिया हूँ कि आप लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। आप जाके हमारे उस लेक्चर वीडियो को देखिए, दे सकते हैं आंसर। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं उसका लिंक, चाहे आप लोग आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब आइए आते हैं हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन पर। 12वें नंबर क्वेश्चन हमारा है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विद्युत परिपथ के किसी भी विद्युतीय धारा पर बीजगणितीय योग क्या होता है। तो बीजगणितीय योग हमारा शून्य होता है, जिसको हम लोग क्रिप्टस लॉ भी बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा शून्य होता है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का मान। अब आइए आते हैं लोग 13वें क्वेश्चन पर। 13वें क्वेश्चन हमारा है, विद्युत वाहक बल क्या, बल की बीमा क्या है। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है। तो विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है, ML2T-3I-3। ये भी हमारा विद्युत वाहक बल का बीमा है, ML2T-3I-3 क्या है हमारा, विद्युत वाहक बल का बीमा। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या है वो टोटल 28 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। कितना, 28, क्योंकि 2016 के भी एग्जाम में तो 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। हम लोग उन सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में जान रहे हैं, ये आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आइए आते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन पर। 14वें क्वेश्चन हमारा एम्पियर घंटा मात्रक है। 14वें क्वेश्चन हमारा क्या है, एम्पियर घंटा मात्रक है। ए में ऑप्शन हमारा शक्ति का, बी में ऑप्शन हमारा आवेश का, सी में ऑप्शन हमारा ऊर्जा का, और डी में ऑप्शन हमारा विभवांतर का। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, एम्पियर घंटा। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा हमारा आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक हमारा एम्पियर घंटा है। अब आइए आते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन पर। 15वें क्वेश्चन हमारा है, प्रतिघात का मात्रक क्या है। 15वें क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिघात का मात्रक क्या है। ए में ऑप्शन है हमारा मोहो, बी में ऑप्शन है हमारा ओम, सी में ऑप्शन हमारा फ्रेडे, और डी में ऑप्शन हमारा एम्पियर। तो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है आप लोग याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI आपके एग्जाम के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देंगे, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो प्रतिघात का मात्रक क्या है, तो प्रतिघात का मात्रक हमारा ओम होता है। अब आइए हम आते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन पर। 16वें क्वेश्चन हमारा है, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब से दूसरे ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोग 2015 के भी, जब हम लोग 2015 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि जब प्रकाश की एक किरण एक ग्लास स्लैब से दूसरी ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो उसका तरंग दैर्ध्य जो है वो घटता है, क्या होता है, घटता है। अब आते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन पर। जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या है, जब किसी एमीटर को हम लोग क्या करते हैं, संट हैं। ये संट क्या होता है, ये आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। ये बहुत ही न्यूनतम, ये कभी कभी पूछ आप लोगों को उसे दी पूछ भी दिया जाता था। बहुत छोटे जो तार आप लोग फ्यूज में लगाते हैं उसको हम लोग संट बोलते हैं। तो उसकी माप सीमा क्या होती, माप सीमा क्या होती, तो उसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर, बढ़ती है। अब आते हैं हम लोग अपने 18वें क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। 18वें क्वेश्चन, स्व प्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक हमारा हेनरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रख लेंगे। सेल्फ इंडक्शन मतलब कि स्व प्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो हमारा हेनरी होता है। अब आइए आते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन हमारा है, ताप तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। ताप जो तार होता है, तप तार जो होता है, वो एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो इसको किसको नापता है, तो मूल औसत वर्ग धारा, जिसको हम लोग IRMS भी बोलते हैं, इसको मापा जाता है तप तार एमीटर के द्वारा।
अब आइए हम लोग आते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी ऊंचे सेटअप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर क्रम से N1 तथा N2 लपेट हो तब क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर। तब इसका होता है हमारा N2 क्या होता है, ग्रेटर देन N1 होता है। क्या होता है, N2 ग्रेटर देन N1। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रोवोल्ट EV मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछा गया आपके एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऊर्जा से। क्या क्या होता होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऊर्जा। इलेक्ट्रोवोल्ट से हम लोग किसको मापते हैं, तो इलेक्ट्रोवोल्ट से हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा डी नंबर। अब आइए आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो हमारा किस कार्य सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्या होगा सर सही आंसर, इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो अपना काम करता है। अब आइए आते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पर। तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर होगा A m². क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक। तो चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक A m² हमारा होता है। अब आइए आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। अब आइए हम लोग आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे आवर्धन क्षमता बढ़ती है। क्या होती है, आवर्धन क्षमता बढ़ती है। फाइ तरंग दैर्ध्य वाले प्रोटॉन की ऊर्जा क्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा SC/ω। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट से आप लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये पूछता है, SC/ω को प्रूव करें। तो आप लोग फाइ तरंग दैर्ध्य वाले प्रोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, SC/ω होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब आइए आते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता कहते हैं। महत्तम वेधन क्षमता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बीटा रे। क्या होगा, बीटा रे। अब आते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पी टाइप के अर्धचालक के मुख्य धारक वाहक बल होता है। तो पी चालक वाले अर्धचालक का मुख्य धारावाहक बल क्या होता है, तो मुख्य धारावाहक बल जो होता है वो हमारा होल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। कल की क्लास हम लोग 2017 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कल की क्लास में जो हमारा कल का जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग 2017 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव सेशन को देखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपको आंसर याद हो गए होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे क्योंकि 17, 19, 21 ये सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रिपीट भी कर दिया जाता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।